की डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे धर्मेंद्र लोधी, जबेरा गर्मजोशी से स्वागत। वहीं दमोह विधायक ने किया दमोह जिला अस्पताल का निरीक्षण। मीट मार्केट को लेकर व्यापारियों में नाराजगी। हर हारे का सहारा खाटू श्याम जी, भजन संध्या का हुआ भव्य आयोजन। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य में मुख्य सड़क पर नजर आया बाघ, वीडियो वायरल। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह के मीट मार्केट के व्यापारी काफी नाराज हैं। इस समय शासन की कार्रवाई से वे नाराज चल रहे हैं, बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। आज भी उनके प्रतिष्ठान बंद रहे। मांस मछली का विक्रय करने वाले लोगों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार ही दुकानों का संचालन हो सकेगा। दुकानों के लिए एक निश्चित स्थान होगा जहां पर इसका संचालन किया जाएगा। दो में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मांस मछली बटर बेचने वाले व्यापारियों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया था और कहा गया था कि उनकी दुकानों को शिफ्ट न किया जाए। अगर शिफ्ट करना है तो दमोह नगर के हटा नाके के समीप शिफ्ट किया जाए। सीता बावड़ी क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। आज प्रशासन के द्वारा पुनः इनकी दुकानों का निरीक्षण किया गया और इन्हें अपने प्रतिष्ठान जो है शिफ्ट करने के लिए कहा गया, जिसके बाद व्यापारियों के द्वारा अपने दुकानों को बंद कर दिया गया, व्यापार बंद रखा गया। दमोह के चरियाई मार्केट में जो दुकानें हैं उन्हें बंद रखा गया। शहर के अनेक स्थानों पर खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जहाँ पर्याप्त इंतजाम नहीं है, शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। गली गली चौराहे चौराहे पर ये दुकानें लगी होती हैं। ऐसे में लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि उन्हें निश्चित स्थान दे दिया जाए, उसके बाद वह वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन जब तक इंतज़ाम नहीं होते तब तक उन्हें शिफ्ट ना किया जाए। क्या कहना है व्यापारियों का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या ये भैया, ये हमारा पुस्तैनी मछली मार्केट और मीट मार्केट है, और ये नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी और पुलिस प्रशासन हम लोगों को धंधा नहीं करने दे रहा है। टोटल धंधा देखो, आप देख सकते हैं बंद है, एक हफ्ते से बंद है धंधा। लोगों के घरे में खाने को नहीं है, उसके बाद भी आज फिर नगर पालिका के और पुलिस प्रशासन आया हुआ है और धंधा पूरा बंद है और कह रहा कोई धंधा नहीं करेगा। जब हम लोग धंधा नहीं करेंगे तो आप खुद समझदार हैं शहर में क्या वातावरण होगा उसका। उसके बाद हम सब लोगों ने एक मांग की, उन्होंने कहा छीता बावरी हम आपको पहुंचा रहे, तो हमने कहा छीता बावरी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जाओगे, हटा नाके एक सहमति हुई कि हम लोग सब हटा नाके जाएंगे। अब हटा नाके में आप व्यवस्था तो करके दो, हम लोग जाने को तैयार है, वहां आप दुकान बना कर दो, सेट बना कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम लोग वहां घोड़े पे जाकर बैठे क्या? तो हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से, हाथ जोड़कर निवेदन है, यहाँ सब गरीब ही गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाला नहीं है, तो आपसे हम लोगों को धंधा व्यापार किया जाए। हम लोग शासन की गाइडलाइन में है, यहाँ पे सेट भी लगने वाला है और यहाँ कोई बिल्कुल साफ सफाई हर चीज है, और उसके बाद भी हम लोगों को धंधा नहीं किया जा रहा है। तो शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि आपकी गाइडलाइन का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को धंधा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक अन्य व्यापारी का कहना कि शराब दुकानों को भी शहर के बाहर किया जाए, तब चिकन और मटन की दुकानें बाहर होंगी, अन्यथा दुकानें यहीं पर संचालित होंगी। व्यापारी के द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी गई। मान जी, मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि मुर्गा मच्छी अंदर रहेगा, और जब दारू की दुकानें बाहर जाएंगी शहर से तो मुर्गा मच्छी बाहर जाएगा। जो कलेक्टर साहब को करना सो कर लो, जो शासन प्रशासन को कर लो सो कर लो। दारू बाहर मुर्गा बाहर, दारू अंदर मुर्गा अंदर। जय हिंद। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़।
दबाव। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली बताया जाता है। तमाम परिवार के जो सदस्य में दिल्ली जा रहे थे, इसी बीच युवक के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया। युवक को दमोह जिला अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टरों के द्वारा जबलपुर रेफर किया गया। युवक का नाम रामकिशन रजक है। जबलपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा कोई विशेष जानकारी नहीं दी जा रही, उन्हें कारणों का विशेष जानकारी नहीं है। किस तरह से पूरा मामला आया, क्या घटनाक्रम हुआ है, संबंध में परिजनों से जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? उमेश। क्या हो गया उनके लिए? फांसी लगा ली। क्यों लगाई उनने फांसी? अभी नहीं है मालूम, हम बकरियों में गए थे और पापा मम्मी यहाँ दिल्ली जा रहे थे, भाई भी जा रहा था, बड़ा यही भरा थे घर पर, अभी समस्या को मुझे पता नहीं। क्या नाम है इनका? रामकिशन। रामकिशन। ये कौन है आपके भाई है? तो कहाँ पर फांसी लगाई है? घर पर। घर पर कोई नहीं था? और घर पर कोई नहीं था। काय से लगाई फांसी? तावेज। रहने वाले कहाँ के हैं? सगरान के। बहरहाल पुलिस के द्वारा मार्ग कायम किया गया है। संपूर्ण मामले में जांच जारी है, देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकल कर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीए न्यूज। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनाए गए। चवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंचे। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे जिन्होंने फूल माला पहनाकर उनका मुंह मीठा कराकर ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं ये जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं जो हाल ही में मंत्री बने हैं। लगातार उनके समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जनसैलाब यहां पर उमड़ पड़ा जिनके द्वारा मंत्री जी का स्वागत किया गया। लगातार मंत्री जी के द्वारा तमाम जनता का आभार भी जताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि हर एक कार्यकर्ता की जीत हुई है, हर एक कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाई है जिसके चलते आज वह यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। माननीय मंत्री जी को बजतक और माननीय मंत्री जी तिरंगा अडानी अवस्थी राय के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ कि आप सबके बीच इस परिसर में स्वागत कर पाएंगे। यदि सब लोग यही खड़े रहेंगे तो अव्यवस्था बनी रहेगी। बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से, व्यवस्था जमाने में मदद करें। हेलो भाई साहब। भैया कि अपने जवेरा विधानसभा में 20 साल बाद फिर से मंत्री का पद आया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर अपने कंधों पर बिठाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये सौगात देने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारा जो जवेरा विधानसभा पिछड़े हुए विधानसभा क्षेत्र में आता है, मंत्री पद मिलने के बाद निश्चित रूप से ये विकास के नए द्वार खुलेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति देखी गई। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री वर्तमान में दमोह विधायक जयंत मलई आज निर्वाचित होने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे जहां व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। वहीं सुधार के संबंध में क्या क्या उनके द्वारा किया जा सकता है, इस संबंध में भी उनके द्वारा जानकारी ली गई। दमोह जिला अस्पताल पर लगभग 14 लाख से अधिक लोगों का भार है, ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखना और समय पर आने वाले मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध हो जाए इसके लिए विशेष प्रयास करने की उनके द्वारा बात कही गई। इस अवसर पर SDM दमोह राजललन बागरी, सिविल सर्जन
जिला अस्पताल राजेश नामदेव के अलावा आरएमओ विशाल शुक्ला विशेष रूप से मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दमा विधायक जयंत मलैया के द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। सुधार है, बहुत समय से सोच रहे थे कि हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या चल रहा है। हमारा हॉस्पिटल पहले से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा हो गया है। अलग अलग केयर यूनिट्स जो हैं, चाहे वो डायलिसिस का यूनिट हो, बच्चों का हो, बर्न केसेस का हो, और सब किस्म के हैं यहाँ, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। देखा मैंने, साफ सफाई की व्यवस्था भी पहले से है, परंतु अभी भी और काफ़ी कुछ होने की आवश्यकता है। एक और 50 बेड का क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन के तैयार है, वो अति शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। और भी बहुत सारे काम हैं जो सब लोगों से चर्चा हुई है, देख के जो जो जिस स्तर पर हो सकते होंगे उन्हें करने की कोशिश करेंगे। तीन प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी, अब नवनिर्वाचित विधायक हैं आप, दमोह विधानसभा को लेकर? देखिए, हॉस्पिटल तो है, पूरे जिले के लोग यहाँ आते हैं। आज हमारी 14 लाख की आबादी है जिले की, और यहाँ पर सारा अब लोग आते हैं, वो पहले आते थे, तब में और अब में बहुत फर्क है। अब बेहतर हॉस्पिटल है, और हालांकि अभी भी स्टाफ की बहुत कमी है, वार्ड बॉय से लेके स्पेशलिस्ट तक की कमी है। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे वो कमी भी यहाँ पर दूर हो और इसको और बेहतर बनाया जा सके। देखिए, हमारा सौभाग्य था कि माननीय विधायक जी आज हमारे अस्पताल में भ्रमण हेतु आए, आदरणीय मलैया जी, और काफ़ी दिन से हम उनसे अपेक्षा भी कर रहे थे इस बात की, क्योंकि कभी जब भी इस तरह के बड़े राजनेता अस्पताल में आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात मिलती है, हमें भी मिली। एसी कैबिनेट जो डेड बॉडीज को रखने के लिए, तो 3 सीट वाला एसी कैबिनेट उन्होंने प्रॉमिस किया कि जल्दी अस्पताल को उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों को, अधिकारियों को तुरंत जो शहरी नाला है, एक स्थान पर कच्चा है, लगभग 50 मीटर नया बनाया जाना है, उस संबंध में भी उन्होंने तत्काल चर्चा की, आदेशित किया। और बाहरी हिस्से पर जो अस्पताल में बियॉन्ड द बाउंड्री काम होने हैं नगर पालिका के सहयोग से, उस पर भी उन्होंने अश्योर किया कि शीघ्र ही उस पर वो अच्छा काम करने के लिए उनको निर्देशित करेंगे। एक अच्छी बात ये रही कि वो हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट्स को देख रहे थे, तो उन्होंने वो काफ़ी अच्छा पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया, और सफाई व्यवस्था को भी उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, जो पहले थी और जो अब है उसमें उन्होंने अंतर पाया। कुछ मांग रखी गई थी, एक्चुअली हमने बिंदुवार कुछ उनको समस्याओं से अवगत कराया था, ऐसी कोई विशेष मांग नहीं रखी है। कि जो समस्याएं हैं, कई बार बड़े राजनेता जब अस्पतालों में भ्रमण करते हैं तो उनके माध्यम से बहुत शीघ्र पूरी होने की संभावना होती है, हमें भी ये उम्मीद है कि वो समस्याएं हमारी शीघ्र दूर होंगी। गर्मियों के दिनों में जल संकट जो होता है अस्पताल में, उससे संबंधित, बरसात के दिनों में जो शहरी नाला हमारे अस्पताल से गुजरता है, उससे ओवरफ्लो होता है, उससे संबंधित समस्या से हमने उन्हें अवगत कराया, और उन्होंने हमें पक्का आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही उस पर काम होगा। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, तबहा। एक शाम खाटू वाले श्याम के नाम भव्य संकीर्तन का आयोजन भी किया गया, गीत भी गाए गए। हम आपको बता दें कि दमोह के नीलकमल गार्डन में ये आयोजन किया गया, प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है, इस वर्ष भी ये आयोजन किया गया। हर हारे का सहारा खाटू श्याम जी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनमानस की उपस्थिति देखी गई। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से आयोजन किया गया। हम दोनों भाई हैं, इनका शरीर मेरा शरीर है,
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाओ। दमोह शहर में लगातार नगर पालिका की लापरवाहियां बढ़ती चली जा रही हैं। लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दमोह नगर के पलंदी चौराहे पर जिस तरह से पानी बह रहा आप देख रहे हैं, मुख्य सड़क पर ये पानी बह रहा है। ऐसा नहीं कि बारिश हुई हो, ऐसा भी नहीं कि कोई टैंकर यहां पर गिर गया हो जिसके चलते पानी सड़क पर बह रहा हो, बल्कि यहां नालियों से लगातार पानी मुख्य सड़क पर बह रहा है। नालियों की सफाई नहीं होती, नालियां गंदगी से भरी पड़ी हुई हैं। नगर पालिका के जो जिम्मेदार हैं वह शहर में घूमते तो नजर आते हैं, लेकिन उन्हें यह नजर नहीं आता कि नालियां कहां पर चौक हो गई हैं। आज लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग सुबह से घरों से निकले, नहा धोकर निकले, लेकिन यहां पर नाली का पानी मुख्य सड़क पर बह रहा था, जिसके चलते उन्हें इसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। लोग मंदिर जाते हैं, यहाँ पर क्षेत्र में काफ़ी मंदिर है जिसपे भी लोगों को जाने में काफ़ी परेशानी हुई। आप देख सकते हैं बच्चे हों या फिर सभी टू व्हीलर फोर व्हीलर चालक यहाँ से निकल रहे हैं, जानवर भी निकल रहे हैं। हाल बेहाल है, नगर पालिका के सफाई का हाल है कि मुख्य सड़क पर पानी बह रहा है। भैया किस नाम से आपकी दुकान है और कहाँ है? ये पलंदी चौराहा है, मेन पलंदी चौराहा है, एसबीआई एटीएम के पास में कॉम्प्लेक्स की दुकान है। करीब आठ महीने पहले हुई थी यहाँ पर सफाई। 8 महीने से न नगर पालिका के कोई भी कर्मचारी ने आकर नाली की सफाई की, ना कभी। आज स्थिति ये है कि पूरी नाली चौक हो गई है, सभी जगह नल जैसा पानी निकल रहा, पूरे चौराहे पर पानी है, बदबू आ रही बहुत। नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं देती है? नगर पालिका 8 महीने से कोई ध्यान नहीं दे रही है, कभी सफाई नहीं हुई। अभी सफाई हुई है नाली पर, वहाँ से गौतम जी बिहारी लाल गौतम जी के यहाँ से मेन चौराहे तक चौक है नाली, बहुत अधिक बदबू आ रही है, गंदगी से आदमी परेशान है। कोई कस्टमर आ रहा है ना ग्राहक आ रहा है, पानी ऐसा भर गया है। क्या नाम है आपका? सचिन देवरा। किस जगह आपकी दुकान है, क्या हो रहा है? पलंदी चौराहे पे हमारी दुकान है चाय की, और यहाँ पर ये नाली ओवरफ्लो हो जाती है कचरा के कारण, रोड पे पानी गंदा बहने लगता है, तो पूरे में गंदगी मचती है। और महीने से सफाई, और 7-8 महीने या 4-6 महीने से सफाई भी नहीं है। नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती क्या? नगर पालिका कोई कर्मचारी नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता। ये रोड पे बह रहा गंदा पानी, उसमें बीमारी फैलती है, तो हम लोग को बीमार हो जाए तो कोई जवाब नहीं। व्यापारी परेशान है, राहगीर परेशान है, स्थानीय लोग परेशान है, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। नगर पालिका के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, ना तो वे ऑफिस में नजर आते हैं, ना ही कभी फील्ड पर। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज, दबाव। दमोह जिले के ग्राम पंचायत मड़ियादो स्थित उप तहसील कार्यालय में तहसीलदार शिवराम चराड़ की अध्यक्षता में कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कस्बे में व्याप्त समस्याओं को दूर करने तथा कस्बे के सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की गई। मुख्य समस्या कस्बे में 1 किलोमीटर मार्ग संकीर्ण होने से दिन में बार बार लग रहे जाम को लेकर चर्चा की गई। हाल ही में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए मार्ग के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण को हटाने का फैसला लिया गया। कस्बे पुराना थाना और तहसील भवन को भी जर्जर घोषित कर उक्त भवनों को जमींदोज कर बाजार व्यवस्थित करने पर चर्चा की। इसके अलावा वन विभाग से भूमि लेकर राजस्व विभाग में लेने की बात तहसीलदार शिवराम चराड़ के द्वारा कही गई, ताकि कस्बे को स्मार्ट व्यवस्थित किया जा सके। यदि भाई उसका कार्यवाही होगी, वही हम कह रहे हैं कि भाई अगर अपन लोग चाहें तो हो नहीं सकता। नहीं, अपन लोग चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। कह रहे अपन ये भी कह रहे हैं हम ये थोड़ी कह रहे चाहें तो नहीं, अपन कांजीनोस पड़ा इतनी बड़ी बिल्डिंग खाली थी, उसको साफ करवाएं अपन, उसमें एक मार्केट बनवाएं और शानदार तरीके से मतलब डेवलप हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, रोडों का ठेके में जैसे बना सकते हैं आप, की योजना में समझे अगर सीधी बात हो। अब हम इसमें कोई हम ने तो उन्होंने उठा के मंदिर की जगह में आपकी तहसील बना दी,
अब मंदिर को जगह कहाँ दी, स्वास्थ्य विभाग मंदिर की जगह बना दी है, तो ट्रांसफर करके दूसरी जगह कहाँ दी मंदिर को। मड़िया दोषी उसे पठान की रिपोर्ट। रात में सड़क पार करते नजर आया बाघ राहगीरों ने बनाया वीडियो। सागर जिले की रहली नौरादही अभ्यारण्य में सड़क पार करते नजर आया है बाघ, तो राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया है। रहली जबलपुर स्टेट हाईवे पर वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बीती एक बाघ सड़क पार करते दिखाई दिया, जिसे राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद किया। जानकारी के अनुसार राहगीर रात 10 बजे जौलपुर तरफ से अपनी पार्सल वाहन लेकर आ रहे थे, तो चालक को ग्राम मोहली से 2 किलोमीटर दूर सड़क पार करते बाघ नजर आया, जिसकी उन्होंने वीडियो बना ली। फिर तत्काल चालक ने सूचना हिनौती बैरियल पर दी। बैरियल वालों ने बताया कि बाघन N1 राधा के दूसरी बार जन्मे 4 शावक, जिसमें 3 मादा व 1 नर बाघ है, वह अलग अलग हो गए हैं। वह अपनी टेरिटरी बना रहे हैं, इसलिए अक्सर बाघ सड़कों पर दिख जाते हैं। यह मेल टाइगर है, आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से बाघ सड़क पार कर रहा है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बालाकोट से साइनिंग स्टार स्कूल ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे स्टेशन पर विद्यार्थियों के हाथों से कंबल का वितरण कराया। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को मानवता एवं संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाना है। बच्चों के हाथ से कंबल पाकर लाभुक बहुत ही खुश हुए। इस संबंध में प्राचार्य सहित अन्य लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। साइनिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल की साइट से आज फर्स्ट क्लास के बच्चों ने कंबल का वितरण किया हुआ है, जिसमें स्कूल का उद्देश्य था बच्चों को मानवता और संवेदनशीलता के प्रति व्यवहारिक ज्ञान देना है। बच्चों को संस्कार, इसी भलाई के काम से बच्चों को संस्कार तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ बच्चे यह भी सीखते हैं कि कैसे करुणा दया का भाव रखना है। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छे एक समाज का निर्माण कर सके, जिसमें वो सभी की हेल्प करें और ये सब उनके भाव रहे, यही स्कूल का उद्देश्य था। लगभग कितने कंबल बांटे गए? लगभग 40 से 50 कंबल बांटे गए और टी शर्ट्स और स्वेटर्स भी बांटी गई हैं। हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो समाज में इस तरह के लोग हैं उन सबकी भलाई हम किस तरह से करें, है ना। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारे स्कूल की साइड से ये छोटा सा किया गया है कि भाई बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए, है ना, और समाज की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे बच्चों को जागरूक करने के लिए आज का एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे स्कूल की साइड से रखा गया है। धन्यवाद। अर्शद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज़, तबहू। स्कूल विभाग में एक नया आदेश जारी है, जिसमें सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को 10:30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है और स्कूल प्राचार्य सभी की उपस्थिति दर्ज कर इस रजिस्टर की PDF बनाकर विकास खंड अधिकारी के WhatsApp पर पहुंचाएंगे और विकास खंड शिक्षा अधिकारी इस सूचना को अपने उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके।
लेकिन अब इस आदेश से शिक्षकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि शीतलहर चल रही है और सुबह से कोहरे का भी कहर रहता है। यदि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं तब उनकी एब्सेंस डल जाती है और उनका वेतन भी काटा जाएगा। इससे बचने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं कड़कड़ाती ठंड में घर से निकलते हैं और जल्दबाजी में स्कूल पहुँच रहे हैं। ऐसे में हादसे की संभावना भी बढ़ जाती है। अब ये फरमान कहाँ तक जायज है, आइए जानते हैं इन्हीं शिक्षकों से। कितना बजे जो शायद उसका टाइम है शासन का, क्या ये सही है कि गलत है? शासन है ये ठंड के हिसाब से देखो गलत है सर, क्योंकि हम लोग को 9:30 पे निकलना पड़ता है। कभी कभी फाटक लगा रहता है तो 10:30 बज जाते, दो मिनट के पीछे हम लोगों की कभी एब्सेंट डल जाती है, तो थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए सरकार को। तो कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को वहाँ से? आधा काम तो कर नहीं पाते, कभी कभी तो ऐसा होता है खाना ला पाए नहीं ला पाए, बड़ी मुश्किलों से जल्दी जल्दी काम करके आना पड़ता है। वो तो फिर शासन समझदार है ये कि लेडीजों को खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर। तो क्या चाहती हैं आप लोग मैडम लोग? थोड़ी सी रियायत 10-15 मिनट में मिलनी चाहिए। जाता है दिक्कत ये जाती है कि खाना बना के आओ, ये बच्चे को तैयार करके आओ स्कूल और पूरा काम करके आओ, यहाँ आओ तो फिर स्कूल के क्लास के पीरियड लो, तो ये समस्या जाती है बहुत ज़्यादा। प्रशासन को 11:30-11:15 बजे तक क्लास लगाना चाहिए। पुरुष वर्ग के लिए तो बहुत ठीक है, वो तो समय से आ ही जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग के लिए बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे हिंडोरिया में फाटक पड़ता है, फाटक की स्थिति कई बार ये रहती है कि 15-20 मिनट तक वो फाटक बंद रहता है। उस संबंध में क्या होता है, जो बस से आने वाली महिलाएं हैं या मोटरसाइकिल से आने वाली महिलाएं हैं तो उनको आने में दिक्कत होती है। पुरुष वर्ग तो ये रहता कि नीचे से जो पुलिया रहती है उसमें से आ जाता है, लेकिन महिलाओं को बहुत समस्या होती है। और इस 10:30 का समय मिलाने के चक्कर में कई बार ये भी हो सकता कि कोई गंभीर दुर्घटना हो सके जिससे बहुत बड़ी क्षति हो सके। तो शासन से मेरा यही अनुरोध है कि खास तौर से महिला वर्ग के लिए 10-15 मिनट की रियायत देने का कष्ट करें। सर अभी देखिए मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बच्चों को भी परेशानी हो रही है और हम लोगों को भी परेशानी हो रही है। कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि 20 मीटर 50 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं है। अब हम लोग अपनी गाड़ी से आते हैं तो कई बार कोई दुर्घटना भी हो सकती है, हम लोगों के साथ भी हो सकती है, बच्चों के साथ भी हो सकती है। तो शासन जैसे बाकी स्कूलों के लिए या प्राइवेट स्कूलों के लिए टाइम थोड़ी बढ़ा दिया जाता है, उसी तरीके से थोड़ा बहुत टाइम हम लोगों के लिए भी एडजस्ट किया जा सकता है। अब इस आदेश से महिला शिक्षकों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब वे अपील भी कर रही हैं कि उनका समय थोड़ा बढ़ाया जाए जिससे वे समय पर स्कूल पहुंच सकें। रईस खान, लकी DCN न्यूज, हिंडोरिया। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे धर्मेंद्र लोधी, जवेरा गर्म जोशी से स्वागत। वही दमोह विधायक ने किया दमोह जिला अस्पताल का निरीक्षण। मार्केट को लेकर व्यापारियों में नाराजगी। हर हारे का सहारा खाटू श्याम जी, भजन संध्या का हुआ भव्य आयोजन। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य में मुख्य सड़क पर नजर आया बाघ, वीडियो वायरल। ये थे तक की कुछ खास खबर, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल, उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूँ, नहीं मिल पा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है,
आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे, आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा, भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें, आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि, आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपके अनुकूल है, आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है, धन का लाभ भी होगा, पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि, आज आप की चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे, आप मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी, आपको आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे योग हैं। सातवीं राशि तुला, आपके लिए दिन अच्छा है, आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे, मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं सोच रहे हैं वह भी आपका सफल होगा, राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है, आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे, भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा, घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनुराशि के जातक, आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं, थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं, शिव आराधना करें लाभ होगा। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है, आप हनुमान जी की आराधना करें, अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है, आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है, नक्षत्र आपके अनुकूल हैं, भूमि भवन आदि से संबंधित भी आज आपको योग हैं, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल, कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।